गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ आरएल एकेडमी। बच्चों अपन कर रहे थे ग्रामर में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस अपना चल रहा था। लास्ट जो वीडियोस थे उसमें अपन ने जाना कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव जो सेंटेंस है उसकी रिपोर्टेड स्पीच दो प्रकार से शुरू होती है। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है, जबकि दूसरा किससे स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है। तो एच वी से जो स्टार्ट होने वाला जो रिपोर्टेड स्पीच था वो लास्ट वीडियोज में अपन कर चुके हैं। मेन उसमें यही था कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एच वी से स्टार्ट हो तो सेड टू को आस्कर में बदलोगे और दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाओगे, और जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, इफ या वेदर का प्रयोग करोगे। इफ का प्रयोग कहाँ होता है, वेदर का कहाँ होता है, ये लास्ट वीडियोज में अपन चर्चा कर चुके हैं। तीसरी बात अपन ने ये जानी कि इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच जो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस वाली है उसको आप असर्टिव सेंटेंस में बदल दोगे, सकारात्मक सेंटेंस में बदल दोगे। ये अपन ने लास्ट वीडियोज में जाना। अब आज उसी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अपन करने वाले हैं कौन सा, वह रिपोर्टेड स्पीच जो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि सेकेंड टाइप है स्टार्ट विद डब्ल्यू एच वर्ड, कि किससे स्टार्ट होना, डब्ल्यू एच वर्ड शब्द से स्टार्ट होना। तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होना मतलब अब अपन को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है। अब देखो, एक तो एच वी से स्टार्ट होता है, तो एच वी लास्ट वीडियोज में बताई मैंने कि डू डज इज एम आर वॉज वर हेज है वो, ये सारी क्या है, एच वी है। तो इनका अपन कर चुके हैं, अब आज करने वाले हैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट होना। अब डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड है ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है। तो ध्यान रखिए, जो डब्ल्यू एच या हाउ से स्टार्ट हो, जो डब्ल्यू एच या हाउ शब्द से स्टार्ट हो उन्हीं को क्या बोल देंगे, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है, तो इसकी पहचान क्या होगी कि रिपोर्टेड स्पीच है वो डब्ल्यू एच या हाउ वर्ड से स्टार्ट होगी, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, इनसे स्टार्ट होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, पर्सन वाचक चिन्ह मिलेगा, उसको आप क्या बोल दोगे, डब्ल्यू एच वर्ड शब्द बोल दोगे। जैसे मैंने यहां लिखा भी है कुछ, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हू, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, इस तरह से। तो देखिए डब्ल्यू एच से स्टार्ट हुआ है, ये तो है ही है डब्ल्यू एच वर्ड, इनके अलावा हाउ से स्टार्ट हो जाए उसको भी आप क्या बोलोगे, डब्ल्यू एच वर्ड बोलोगे। तो कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच अब इन वर्ड से यानी कि क्या होगी, स्टार्ट हो तब आपको क्या करना है, तब आपको नोट आपको ध्यान रखना है, सेड टू को आप किस में बदलोगे, आस्कर में बदलोगे। सेड टू को किस में चेंज करोगे, आस्कर में। ध्यान रखिए, बस आपको इतना सा ध्यान रख लेना है कि अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, चाहे कैसा भी सेंटेंस हो, चाहे एच वी से स्टार्ट हो या डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो आप सेड टू को आस्कर में बदल दे। आगे नवास में तो इसमें सेड टू को आस्कर में चेंज करेंगे। अब दो वाक्य को उसी डब्ल्यू एच वर्ड से जोड़ेंगे जिससे रिपोर्ट से रिपोर्टेड स्पीच की क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। अब देखो इंटरोगेटिव जो एच वी से स्टार्ट हुआ उसमें तो अपन ने इफ या वेदर से जोड़ा, लेकिन डब्ल्यू एच में किससे जोड़ेंगे, दो वाक्य को जोड़ के एक बनाएंगे, एक कनेक्टिव वर्ड का यूज करेंगे। तो वह कौन सा कनेक्टिव होगा, इन्हीं डब्ल्यू एच वर्ड में से। अगर सेंटेंस में व्हाट दिया है तो आप व्हाट कर दोगे, वेयर दिया है तो वेयर कर दोगे, व्हेन दिया है तो व्हेन से जोड़ दोगे, हाउस दिया है तो हाउस से जोड़ दोगे। आगे बात बच्चों सबने, तो ये आपको दो नंबर बात ध्यान रखनी है। नंबर तीन आपको क्या ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दोगे, कि इनडायरेक्ट बनाते समय डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस को किस में बदलोगे, असर्टिव सेंटेंस के अंदर आप बदलोगे। कहने का मतलब जब आप असर्टिव सेंटेंस में बदलोगे तो पर्सन वाचक हट जाएगा और पर्सन वाचक की जगह क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है डब्ल्यू एच वर्ड से जो शुरू होने वाले जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके लिए बेसिक यानी कि रूल्स है जो आपको यानी कि लर्न करना है। इसके बाद अपन क्या करेंगे, अब सेंटेंस बनाना यानी कि सीखेंगे कि सेंटेंस है वो किस तरह से बनाए जाएंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी के अंदर नोट। तो देखिए अब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बेसिक रूल्स के बाद कुछ एग्जाम्पल करते हैं अपन। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे के सारे समझ आ जाएंगे,
फिर भी अगर आपको किसी तरह की आने की दिक्कत हो तो आप मुझसे अपनी जो समस्या है, अपनी जो क्वेरीज है, उसके मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए कुछ एग्जांपल लेकर के आया हूँ, इसको अपन सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट के हैं, इसका इनडायरेक्ट बनाना है तो अपन डब्ल्यू एच वर्ड कर रहे हैं, तो डब्ल्यू एच वर्ड इसकी यानी कि पहचान यही है कि रिपोर्टेड स्पीच किन से स्टार्ट होगी, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क के लगेगा। तो देखिए इसमें दो पार्ट है, एक है उमा सेड टू हरी और एक है व्हाई डिड यू नॉट कम टू माय हाउस। तो देखिए ये तो रिपोर्टिंग वर्ब वाला हो गया और ये रिपोर्टेड स्पीच वाला है। इसकी पहचान क्या है कि ये डब्ल्यू एच वाई से स्टार्ट हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो मतलब डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस है ये, इंटरोगेटिव के अंदर डब्ल्यू एच से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें अपन को बच्चों ध्यान क्या रखना है, सेड टू को आस्कड में बदलिए और दो वाक्य को जोड़ने के लिए उसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग कीजिए जो वाक्य के अंदर आया है। तो इसको अपन बनाएंगे, जैसे उमा सेड टू को आप किस में बदलोगे, आस्कड में बदलोगे, टू को हटा देंगे, उमा आस्कड हरी, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा इनको हटा देंगे और दो वाक्य को जोड़ेंगे। दो वाक्य को जोड़ने के लिए कौन से कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करेंगे, डब्ल्यू एच में उसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे जो सेंटेंस में आया है। इसमें क्या आया है, वाई आया है, तो इसको वाई से ही जोड़ लेंगे, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब वाई को यहां पर छिपा लिया जाए तो मतलब डिड यू नॉट कम टू माई हाउस ये बच्चा है, तो ये बचा है मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो सेम इंटरोगेटिव की तरह होगा कि अब क्या करेंगे, ये जो है डिड है इसको तो दो नंबर पे लिया होगा और इसको एक नंबर पे लिया होगा, मतलब सिंपल सेंटेंस में बदलोगे, असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट लाइए, हेल्पिंग वर्ब लाइए, वर्ब लाइए, ऑब्जेक्ट लाइए, यही होता है। मतलब डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया, अब क्या करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड जो सेंटेंस है इसको आप किस में बदलोगे, असर्टिव में बदलोगे। अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो उसको तो नेगेटिव में बदल दीजिए, अगर इंटरोगेटिव बचा है अब तब आप क्या करोगे, इसको असर्टिव में बदल दोगे। तो इसको एक बार डिड को एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि इसको अपन बनाएंगे, अपना फॉर्मूला क्या लगता है, सब्जेक्ट एच वी वर्ब ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है। तो इसमें देखिए इतने में क्या बचा है, सब्जेक्ट क्या है, यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदला जाता है, सब्जेक्ट उमा है, ऑब्जेक्ट क्या है, हरी है, तो यू को बदलेंगे हरी के अकॉर्डिंग, हरी के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, ही, तो क्या आया, वाई ही, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, इसको बदला। अब दो नंबर पे देखिए डिड को किस में बदलोगे, डिड को बदलोगे आप हेड में, किस में बदलोगे, हेड में, डिड को किस में बदलोगे, हेड के अंदर, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो ही। अब डिड को यहां, अब यहां पे ले आओगे, डिड को बदला हेड, अब आगे बच्चा क्या, नॉट, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम होती है, कम केम कम, तो क्या हुआ, ही हेड नॉट कम, अब क्या बचा, टू। अब देखिए माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और पजेसिव है, फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, उमा, उमा के लिए आएगा सी, अब सी का पजेसिव क्या बनता है, हर, तो क्या हो जाएगा, ही हैड नॉट कम टू हर, अब जो यहां पे क्या था, हाउस था, तो यहां पे लास्ट में क्या लिख दोगे, हाउस, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लिख दोगे। तो समझ आ गया होगा, उमा का उमा लिख दिया, सेड टू को आस्कड में, हरी जोड़ने के लिए उसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करेंगे जिससे रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हुई है। अब इसको दो नंबर पे लिया होगा, इसको एक नंबर पे, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में बदलोगे, हरी, हरी के लिए क्या आया, ही, अगर यहां सीता होती तो सी ले आ जाता, डिड को किस में बदले, हेड में, अब नोट, और कम की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, कम ही होती है, क्योंकि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में बदलोगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू। अब माई फर्स्ट पर्सन पजेसिव, सब्जेक्ट में बदलोगे, उमा के लिए आएगा सी, और सी का पजेसिव क्या बनता है, हर, और लास्ट में बचा हाउस, और क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब अगला देखिए, सी सेड टू मी व्हेन विल यू प्ले कबड्डी, आगे बात सुन रहे, तो इसमें व्हेन से स्टार्ट हुआ है, डब्ल्यू एच है, मतलब सेड टू को आस्कर में बदल दीजिए और जोड़ने के लिए उसी डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग करिए जो रिपोर्टेड स्पीच में आया है। तो क्या लिखोगे, सी का तो सी लिख दिया, सेड टू का आप क्या लिखोगे, आस्कड, तो सी आस्कड मी, जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करोगे, उसी डब्ल्यू एच वर्ड, व्हेन, तो क्या लिखा, सी आस्कड मी व्हेन। अब देखिए ये जो है
डब्ल्यू एच वर्ड को आप किस में बदलोगे, असर्टिव में। अब इसको तो ले आओगे दो नंबर पे और इसको ले आओगे एक नंबर पे। अब यू को ऑब्जेक्ट में बदलोगे, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है मी। अब देखिए यू की पहली फॉर्म यू है, सब्जेक्टिव केस है, तो मी का पहला क्या बनेगा आई, मी माई आई क्या बनेगा आई। तो यू को मी में बदला तो क्या आया आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्रोनाउन चेंज आने चाहिए। अब देखिए दो नंबर पे लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है से लिया विल। अब देखिए बच्चों और जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है वो एकवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग लगती है, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब ऐसी है जो एकवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग नहीं लगती है, वो कौन सी है सेल और विल। सेल का प्रयोग होता है आई और वी के साथ, और विल का प्रयोग आई और वी को छोड़कर के अदर के साथ। तो जैसे यहां पे यू था, यू के साथ विल आ गया, अब लेकिन अब यू को चेंज किया तो क्या बना आई बना। अब आई के साथ सेल आएगा या विल, तो देखिए बताया था मैंने आई और वी के साथ सेल, अदर के साथ विल, तो आई के साथ आएगा सेल। अब देखिए सेल को किस में चेंज करोगे, सेल को चेंज करोगे शुड में, तो क्या आया आई शुड प्ले कबड्डी, ये हुआ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप, उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला, रवि सेड टू सुनीता What are you doing these days? ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है, तो इसका क्या करेंगे, रवि सेड टू को आस्कड में, टू को हटाना है, और सुनीता, रवि आस्कड सुनीता, जोड़ेंगे उसी डब्ल्यू एच वर्ड से, तो व्हाट से जोड़ दिया, व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो व्हाट से जोड़ा। अब इसको ले आओगे दो नंबर पे, इसको ले आओगे एक नंबर पे। अब देखिए यू को बदलोगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है सुनीता, सुनीता के लिए क्या आएगा सी, तो क्या आएगा व्हाट सी। अब एच वी क्या है, एच वी है आर, इज एम आर को किस में बदलोगे वोज या वर में, इज एम आर को किस में बदलोगे वोज या वर में। अब सी के साथ वो जाएगा वर, सी सिंगुलर है तो क्या आएगा वोज, तो सी वोज। अब बचा क्या डूइंग, अब देखिए समय दूरी वाला शब्द आ गया, दीज डेज, दीज को किस में बदलोगे दोज में, तो क्या हो जाएगा दोज डेज, दोज डेज। क्वेश्चन मार्क को हटा के आप क्या लगा दोगे फुल स्टॉप लगा दोगे। तो इस तरह से अपना ये क्या हुआ, एक डब्ल्यू एच वर्ड का एक सेंटेंस और हो गया। अब अगला एग्जांपल देखिए, टीचर सेड टू स्टूडेंट, ठीक है, व्हाट इज योर नेम, व्हाट से स्टार्ट हुआ है तो क्या करोगे, देखिए टीचर सेड टू को आस्कड में, बच्चा क्या स्टूडेंट, जोड़ेंगे उसी डब्ल्यू एच वर्ड से व्हाट, टीचर आस्कड स्टूडेंट व्हाट। अब देखिए इसको ले आओगे दो नंबर पे और इसको ले आओगे एक नंबर पे। अब देखिए योवर सेकेंड पर्सन, पजेसिव, तो सेकेंड पर्सन को बदलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए देखो ही भी आता है और सी भी आता है, अगर स्टूडेंट्स होता तब तो दे कर देते, अब स्टूडेंट ही को भी स्टूडेंट बोलते हैं, सी को भी स्टूडेंट बोलते हैं, दोनों के लिए एक ही नाम है। तो यहां पर आप, अब देखिए यू की सेकेंड फॉर्म योवर है, तो यहां पे आप ही की, या तो अगर ही मान रहे हो इस स्टूडेंट को तब तो ही की सेकेंड फॉर्म हिज कर दो, अगर इसको सी मान रहे हो तो सी की सेकेंड क्या कर दो हर कर दो। तो अपन ने जैसे क्या माना ही माना, तो ही का क्या हुआ हिज, यहां पे सेकंड है तो इसका हिज हो जाएगा, या आप यहां पे क्या कर सकते हो हिज को हर में भी बदल सकते हो, व्हाट हिज या हर। अब देखो मैंने क्या बताया, पजेसिव कभी अकेला नहीं आता है, इसके साथ कोई ना कोई नाउन दी होगी, तो हिज या हर के साथ नाउन क्या है नेम, हिज नेम। अब देखिए इसको लेंगे दो नंबर पे, इज एम आर को बदलेंगे वॉज वर्ब में, तो व्हाट हिज या हर नेम वॉज, और ये फुल स्टॉप, ठीक है बच्चों समझ आ गया होगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस क्या है कि ही सेड टू मी हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ से स्टार्ट हो गया, मतलब ये भी डब्ल्यू एच वर्ड है, हाउ से स्टार्ट होना, हाउ मेनी से, हाउ मच से। तो जैसे देखिए ही सेड टू को आस्कड में, मी टू को हटाना है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को भी हटाना है, जोड़ोगे किसे उसी डब्ल्यू एच वर्ड से, डब्ल्यू एच से स्टार्ट है वो तो है ही है डब्ल्यू एच वाला, हाउस से स्टार्ट हो उसी को उनको भी क्या बोलेंगे डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस बोलेंगे। तो इसको हाउस से जोड़ दिया हाउ। अब क्या करोगे कैन,
इसको दो नंबर पे ले आओगे और इसको एक नंबर पे ले आओगे, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड को असर्टिव में बदलना है। अब आई है, आई को एक नंबर पे लाओगे, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में बदला जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, आई को ही में बदला तो क्या आया, ही, हाउ ही। अब केन को किस में बदलोगे, दो नंबर पे, केन को कुड में, हाउ ही कुड हेल्प। अब यू देखिए, यू सेकेंड पर्सन है और यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, मतलब ऑब्जेक्टिव केस है, यू की पहले भी सब्जेक्टिव केस यू होता है और ऑब्जेक्टिव भी यू होता है। तो यहां देखिए, यू है सेकेंड पर्सन, ऑब्जेक्ट में बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू की थर्ड फॉर्म यू है तो मी की थर्ड फॉर्म मी होती है, तो यहां पे मी का मी आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या कर देंगे, फुल स्टॉप पे लगा देंगे। तो बच्चों समझ आ गया होगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। या इसका एक लास्ट सेंटेंस यानी कि और देख लीजिए, मैं ये आपने लिख लिया होगा, मिटा रहा हूं मैं, ये सेंटेंस अगर इस तरह से आ जाए, ही सेड टू मी हाउ डू यू डू, ही सेड टू मी, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है बच्चों, इस तरह का सेंटेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है, हाउ डू यू डू, ही सेड टू मी हाउ डू यू डू, तो ये आ जाए, तो इसको आप किस तरह से करोगे, देखिए तो इसको आप किस तरह से करोगे, ही का तो ही ले आए, सेड टू को आस्कड में, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, मी जोड़ोगे किससे, हाउ से जोड़ोगे, तो यहां पे क्या आ गया, हाउ से जोड़ दिया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये डू क्या है, एच वी है, ये क्या है, एच वी है, और ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है। अब देखो डू है वो एच वी भी होता है, और डू है उसको वर्ब भी बोला जाता है, डू डिड डन। अब देखिए हाउ से जोड़ दिया, ठीक है, अब दो नंबर इसको लाओगे दो नंबर पे, इसको एक नंबर पे, अब यू को लाओगे ऑब्जेक्ट में बदलोगे, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी के लिए क्या आएगा, आई, यू की पहली फॉर्म यू, मी की पहली फॉर्म क्या हुई, आई, हाउ आई, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब लाएंगे एच वी डू को, डू को किस में बदलोगे, डू या डज को, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां डू डज को किस में बदलेंगे, डिड में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, डिड डू, हाउ डिड डू, ये हो गया ना। लेकिन बच्चों देखिए यहां पे डिड डू थोड़ा बेटर नहीं लग रहा है, डिड प्लस डू, और ये भी ध्यान रख लीजिए अपन डब्ल्यू एच वर्ड को किस में बदल रहे हैं, असर्टिव में, और असर्टिव सेंटेंस में क्या नहीं आता है, डिड नहीं आता है। अगर नोट होता तो आप क्या कर देते, उसको हेड नोट कर देते, यानी कि क्या कर देते, डू डिज को यानी कि किस में, डिड नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते। तो यहां पर क्या है, डिड प्लस डू, मैंने पहले ही बताया था जब आपको डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ रही है तो उसको आप क्या करोगे, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का डिड को हटा दोगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड बढ़ा दोगे, एक तो ये बताया था। यहां पे डिड प्लस डू है बेटर नहीं लग रहा है, इसकी जगह आप एक शब्द दूसरा, ये पास्ट का हो गया, इसकी जगह बेटर क्या रहेगा, डिड डू को तो हटा दीजिए, इसको वॉज कर दीजिए, किस में बदल दीजिए, वॉज में, तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉच, ठीक है बच्चों। डिड डू अगर वो दिया हो तो वो बेटर नहीं लग रहा है, तो आपको ये करना है, इसको क्या लिखना है, डिड प्लस डू को हटा के वॉच करना है। तो बच्चों इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो अपना कंप्लीट हुआ, दोनों प्रकार के सेंटेंस अपन ने कर लिया है, एच वी से स्टार्ट होना और डब्ल्यू एच से स्टार्ट होना। अगर किसी तरह की आपको समस्या है तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।